और नेक्स्ट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बताएं आप ये ट्रेडिंग क्यों सिखाते हैं और आप क्यों चाहते हैं कि लोग इसको सीखें? इसमें बड़ा साफ सुथरा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ट्रेडिंग इट्सेल्फ जीरो सम गेम है। अगर इसका कॉन्सेप्ट यह है कि कई दफ़ा जो ब्रोकरेज आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है एक प्राइस की या कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने के, तो आप S&P ट्रेड करें, ऑयल करें, तो जीरो सम में ये होता है कि कोई बाय कर रहा है, कोई लूज कर रहा है, तो मनी सिर्फ पॉकेट्स एक्सचेंज कर रहा है। तो दैट्स ऑल दैट्स हैपनिंग हियर, कि अगर आप यहाँ जीत रहे हैं तो किसी ना किसी तरफ से कोई पैसे लूज कर रहा है, किसी ने लॉन्ग लगाया हुआ, किसी ने शॉर्ट लगाया हुआ है, या ऑपोजिट लगाया हुआ है, तो किसी के जेब से पैसे निकल रहे हैं और किसी की जेब में ये पैसे जा रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर एवरी डे मूव होता है बिटवीन दिस इंडेक्स, डाउ जोन, S&P, नैसडैक, रसल और बाकी कमोडिटीज में। तो एक छोटी सी अगर आप ये स्किल एक्वायर कर लें, ख्वाह क्रिप्टो है, ख्वाह फॉरेक्स है, गोल्ड है, ऑयल है, कि वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मूवमेंट में अगर आपके पास एक स्किल आ जाए, कि आपने उसमें से थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, हमारे प्रोफेसर कहते थे कि ये ओशन है, उसमें से आपको सिर्फ मिस्ट चाहिए, तो हल्के से, यानी कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि ओशन में से एक थोड़ी सी पानी की बोतल भरानी है, तो रिलेटिवली इजी बिजनेस है अगर आप इस पे तवज्जो से काम करें और इसको सीख जाएं, तो इजी पार्ट टाइम आप इनको, इसको फुल टाइम भी किया जा सकता है, लेकिन इजी पार्ट टाइम के लिए तो मेरी यही कोशिश है कि मुझसे ना सीखें, वैसे ही सीखें, बाहर जाएं, इसके बारे में रिसर्च करें। यानी यू डोंट हैव टू बाय कोर्स फ्रॉम मी, आप इंटरनेट से पढ़ें उसके बारे में, तो बहुत इजी वे टू मेक मनी है अगर आप इसको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहें। और मुझे ये बताएं कि दिन में हमें कितनी